दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है। बेसिकली ही इज़ अ फाउंडर ऑफ ए कंपनी, कंपनी के फाउंडर है, एज वेल एज उनके पास काफ़ी सारे इयर्स का कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है, कॉरपोरेट वर्क एक्सपीरियंस है। उनको इनवाइट करने का सिर्फ एक ही मोटिव है यहाँ पे, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी कि सर हमारे रिज्यूम नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहे, हमारे इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो पा रहे, हम इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, ऐसी जो भी दिक्कत है ना, वो क्योंकि ग्राउंड लेवल से चीज़ें बताएंगे इसलिए उनको यहाँ पे इनवाइट करो, क्योंकि फाउंडर है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली, इंक्लूडिंग रिज्यूम कैसे बनाना एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें पूरा ध्यान से आप लोग देखना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। द फर्स्ट टाइम आई इन्वाइटेड अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी, तो कौन है वो पर्सन, क्या है, आप लोगों को पूरा अभी पता चलेगा। पूरा ध्यान से आप लोग देखना, पेशेंस अगर आप लोगों में फिर भी कम है तो वीडियो को 2x पे देख लेना, बट स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पे चलते हैं। सो यस गाइस, हियर वी हैव रोहित विद अस, एंड बेसिकली ही इज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी कॉमर्स विद्या, और बेसिकली एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, करियर कोच भी है। और आज यहाँ पे मेरा इनको यहाँ पे इनवाइट करने का एक ही मोटिव है, जो कि आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, कि आप में से मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहे, इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो रही है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जॉब से रिलेटेड। सो बेसिकली रोहित एक वेल एक्सपीरियंस्ड, एक फाउंडर होने के साथ साथ इनके पास कॉर्पोरेट का काफी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज आप लोगों के लिए स्पेशली इनको इन्वाइट किया। तो रोहित, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने बिजी शेड्यूल में से आप इस चैनल पे आए अपना एक मतलब टाइम निकालने के लिए, ऑडियंस को गाइड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश, इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने मेरे को इनवाइट किया, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर इट कि हाँ आगे भी हम ऐसे कनेक्शन करते रहे। एंड वेन यू टॉक अबाउट दिस कि हमें एक बार ऐसे कनेक्शन में आना है फॉर योर ऑडियंस कि हम उनको कुछ सिखा पाए, आई वॉज रियली रियली हैप्पी एंड आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस, एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर मी, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर यू। रोहित, सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस जो पहली बार आपको देख रही है, तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर रहती है कि ये पर्सन कौन है और क्या इनका कंसेप्ट है, मतलब किस चीज के फाउंडर है, किस कंपनी के। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ आप अपने बारे में और जो भी एक स्टार्टअप आपने शुरू किया आप उसके बारे में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे वो आपका कंसेप्ट एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी उस चीज को जरूर जाने। थैंक यू। So basically my name is Rohit Kapoor. I've done my graduation, then I've done my post graduation from Punjab University Chandigarh. Then I cracked my UGC NET exam in the year 2018. Then in total, if I'll say, I have more than 6 years of an experience, wherein I have more than 3 years of teaching experience and more than 3.5 years of corporate experience, wherein I worked with Byju's, Unacademy, ExtraMarks and Planet Spark 2. So I recently resigned 2 months back from one of the renowned organizations that is Planet Spark, and I started my own platform that is Commerce Vidya. Commerce Vidya, basically I am targeting plus one 11th and 12th commerce students. All the commerce students, I am providing quality education to all the commerce students, because what's happening nowadays, bahut sare students ko 11th 12th ko kya mil raha hai कि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर नहीं पा रहे, वो ट्यूशन पे जा रहे हैं 1500, 2000, 1500, 2000 पे कर रहे हैं, फिर भी उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही, बट कॉमर्स विद्या में ऐसा नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्राइस पे, और यूट्यूब पे आई हैव माई ओन चैनल दैट इज कॉमर्स विद्या, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दे रहा हूँ, एंड आई हैव माई ओन वेबसाइट एज वेल www.commercevidya.co.in, जहां पे स्टूडेंट्स कभी भी मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, मेरी टीम हमेशा, मेरे टीचर एक्सपर्ट वहां पे होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज के फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर देते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, दैट्स द ओनली विजन आई हैव। एंड वन मोर थिंग, आई हैव अ क्रैश कोर्स टू। क्रैश कोर्स मीन्स टू से आई हैव अ क्रैश कोर्स इन विच कि जो भी सारी चीजें आप लोग आकाश बताते हैं आपको कि ये पोस्ट आती है, ये पोस्ट आती है, उसके बाद आप जाते हो वो जॉब को प्रिपेयर करने के लिए, जॉब का करते हो, बट हम कई बार वो क्रैक नहीं कर पाते, उसी चीजों के लिए मेरा क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको पूरी चीजें समझाता हूँ और एट दी एंड हम एक गारंटी के साथ एक कंक्लूजन पे आते हैं कि आपके पास फॉर श्योर ऑफर लेटर होता है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माय मोटिव, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माय फोकस। राइट डन। सो रोहित, बेसिकली मेरे यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे सारे क्वेश्चन, मेरे काफी सारे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये ऑडियंस के ही क्वेश्चन है जो मैं आज यहाँ पे आपसे पूछने वाला हूँ।
तो क्वेश्चंस काफी चीजों से रिलेटेड है, वो रिज्यूम से रिलेटेड है, वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, वो जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगा रोहित, वो है रिज्यूम को लेके। मतलब मैक्सिमम ऑडियंस के कमेंट है कि सर हम धड़ाधड़ अप्लाई किए जा रहे हैं यार, कि रिवर्ट ही नहीं आ रहा। उसके पीछे हमको लगता है कि हमारा रिज्यूम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोहित मुझे पता है रिज्यूम बहुत मायने रखता है किसी भी जॉब के लिए। अगर एक कंपनी में 1000 लोग अप्लाई करें तो रिक्रूटर एक एक रिज्यूम उठा के नहीं देखते, उनका सिस्टम है जो ऑटोमेटिक पिक करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिज्यूम एक्चुअली में होना कैसा चाहिए, पहले उसके बारे में आप थोड़ा बता। सो दिस इज दी फर्स्ट थिंग जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में देखनी पड़ती है, दैट व्हाट वुड बी दी रिज्यूमे फॉर्मेट और वो कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट आप प्रॉपरली कैसा भी रख सकते हो, आपको बहुत सारे सैंपल मिलेंगे। व्हाट दी मेजर पॉइंट इन रिज्यूमे इज यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स रूल, एनी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट रूल, यू डोंट हैव एनी कीवर्ड रिलेटेड टू सेल्स रूल इन योर रिज्यूमे। आप मेंशन कर रहे हो कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपके ये स्किल सेट है, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आपका इंटरेस्ट है स्पीकिंग में, आपका इंटरेस्ट है बहुत सारी चीज़ों में, बट एजेंडा क्या है कि वो आप अप्लाई करो सेल्स रोल के लिए, अच्छी कंपनी आपके कीवर्ड उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स प्रोफिशियंसी, सेल्स फोरकास्टिंग, इफ यू डोंट हैव दीज वर्ड्स इन योर रिज्यूमे, व्हाट एग्जैक्टली द इंपैक्ट वुड बी, दे विल नॉट बी सिलेक्टिंग योर रिज्यूमे, बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिज्यूमे। अगर मैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, बहुत सारे MBA अप्लाई कर रहे हैं, उसमें MBA फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, MBA सेल्स वाले, MBA मार्केटिंग वाले, MBA HR वाले। तो अगर सेल्स रोल के लिए उनको सिर्फ सेल्स वाले ही चाहिए होते तो वो सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते, बट हर जगह लिखा होता है ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है। तो आपको रिज्यूमे में अपने बताना है कि आपको उन चीजों को कैसे करना है। अगर आप रिज्यूमे में नहीं बताओगे तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला। रिज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए, अगर वो कीवर्ड्स नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका रिज्यूमे पे, और वो वहां पे रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है डन, ये सबसे पहली चीज। सेकंड क्वेश्चन आता है मेरा, मतलब मुझे थोड़ी रिपोर्टर वाली फीलिंग आ रही है। नहीं नहीं, वो कोई ठीक है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है रोहित जो आ रहा है ना मेरा, वो है इंटरव्यू से रिलेटेड, कि इंटरव्यू में ना बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि सर हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते, हमको इंग्लिश समझ आती है, कोई अगर हमारे सामने इंग्लिश बोल रहे ना, हम सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, बट फ्लुएंटली बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। 90% ऑडियंस को ये दिक्कत है, तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं, कुछ टिप्स। ऑलराइट, सो बेसिकली द पॉइंट इज, व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू एंड दे नीड एन इन्फ्लुएंसी फ्रॉम योर एंड, हमें करना क्या होता है कि अब देखो, ना आकाश के पास, ना मेरे पास, ना कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास कोई ऐसी पुड़िया है कि आपको दे देंगे, आप पी लोगे सुबह इंग्लिश बहुत तेज हो जाएगी, ऐसा किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब मैं आपको एक चीज रेकमेंड करता हूँ, जैसे मैं प्रिपेयर हुआ हूँ और जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ प्रिपेयर होने के लिए, आपके पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपको समझना नहीं है, देख के बोलना। अब आप अगर हिंदी में बात करोगे, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करोगे, आप कभी भी अ आ ई ऊ नहीं करोगे, है ना। अब बट इंग्लिश में आते हो तो वी आर लाइक माय नेम इज रोहित, माय नेम इज द, तो हम अ आ ई में फंस जाते हैं, बिल्कुल, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जब थॉट्स बनते हैं वो यहां तक आते आते अटक जाते हैं। अब मैं अगर इंग्लिश को तेज बोलने की कोशिश करूंगा, थॉट तो अभी बन रहा है यहां पे आने तक तो टाइम लगेगा, तो अ आ ई ऊ होगा ही। तो टू अवॉइड दिस थिंग, अगर इसको अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लुएंसी लेके आने के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर, समझना नहीं है सिर्फ पढ़ना है, 5 से 10 दिन उसको पढ़ो बहुत आराम से, 11th 12th day ये इस चीज को आदत हो जाएगी इंग्लिश की। जब इसको आदत हो जाएगी तो आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दोगे और अ आ ई ऊ सब बंद हो जाएगा। बिकॉज आर मेजर एजेंडा इन एनी ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, व्हाई इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर ऑल द MNCs और वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बिटवीन कंट्रीज, ऑलराइट, और बिटवीन स्टेट्स। बैंगलोर में जाओगे या उनको कन्नड़ आती है या इंग्लिश आती है, हिंदी भी कम बोलते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अगर एक कंपनी में बहुत स्टेट्स के लोग हैं तो वहाँ पे इंग्लिश एक मीडियम है, इसलिए इंग्लिश को मैंडेटरी माना जाता है। नहीं तो इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ऊपर वाली लैंग्वेज है इसलिए बोला जाता है, नो, इंग्लिश है कि वो कॉमन एप्लीकेबल है, पर बेसिक वो एप्लीकेबल है हर जगह पे, दैट्स वाई दे वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, सो दैट व्हेनेवर यू स्पीकिंग विद एनी ऑफ द कैंडिडेट, एनी ऑफ द कलीग, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, दैट्स द ओनली एजेंडा। और ये इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, यू कैन इंप्लीमेंट इट, और आप रिजल्ट यहाँ पे चैनल पे भी बता सकते हो, आपको इसका रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा।
राइट, थैंक यू रोहित, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मेरा रोहित, वो है इंट्रोडक्शन को लेके। मतलब मैं यूजली हर मैं जो भी रोहित कोई मैं जॉब ओपनिंग पोस्ट करता ना, उसमें से कुछ ओपनिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कि हिंदी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टिल वहाँ के जो रिक्रूटर्स मेरे से कनेक्ट हैं तो वो भी एक चीज जरूर बोलते हैं कि सामने वाले पर्सन को ना एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जरूर बोलना है। और वैसे नॉर्मली में अगर रोहित हम किसी भी इंटरव्यू की बात करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा इंट्रो से होती है ना, तो मेरा क्वेश्चन रोहित आपसे ये है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसको किस तरीके से बोला जाए। लाइक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें ऐड, मतलब यूजुअली लोग उसमें ऐड कर देते हैं कि मम्मी पापा ये करते हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, या फिर ये मेरी क्वालिफिकेशन है, तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपसे एक थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर हमने अपना इंट्रोडक्शन बोलना है तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती, कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। So everybody knows first impression is the last impression. All right. So introduction is the first impression. Right. All right. So whenever you are appearing for the interview, आपको अपनी introduction देनी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी problem जो यहाँ पे है कि हम introduction को cram कर रहे हैं बैठ के। हम 2 मिनट की introduction को cram करके interviewer के सामने बैठ जाते हैं और interview जो बैठ के आपका ले रहा है ना, वो 10 सेकंड में जज कर लेता कि आप इसको cram करके आए हो। इसलिए कभी भी इंट्रोडक्शन को क्राम नहीं करना है आपको, कभी भी क्राम नहीं करना है। वहां पे हमेशा अलग ही इंट्रोडक्शन होगी। आप 10 इंटरव्यू में बैठे हो, 10 में आपका पेस अलग अलग हो सकता है, आपका फ्लुएंसी अलग अलग हो सकती है, आपका कंटेंट अलग अलग हो सकता है, बट मेजर जो चीजें होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका नाम, कहाँ से आपने स्टडीज की है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और आपकी अचीवमेंट क्या है लाइफ की। अगर हम दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं आपको किस चीज से जानूं, आपकी अचीवमेंट, मैं किस नाम से बुलाऊं, आपका नाम, आप किस सिटी से हो, मैं रिलेट कर पाऊं, ये मेजर चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, सो व्हाट आई विल बी मेंशनिंग इज माय नेम इज रोहित कपूर, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन खन्ना व्हिच इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स एशियाज लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट इज इन खन्ना। आई डन माय ग्रेजुएशन, आई डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव टोटल 6 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आई वर्क विद दिस कंपनी, आई अचीव्ड अ लॉट ऑफ अवार्ड्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, रिलेटेड टू सेल्स टारगेट, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फैकल्टी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर थोड़ी हूँ इस चीज के लिए, मेरे को क्या पता कि सामने वाला किस तरीके से मेरे से इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो मेरे को बताना है जो भी मेरे माइंड में आ रहा है। अगर क्राम करोगे वो चीजें कभी भी इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं होंगी, और सामने इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा। आप कितना अच्छा फ्लुएंट में बोल रहे हो तब भी वो पकड़ लेगा आपको, अगर आपने क्राम किया होगा तो कभी क्राम करके मत जाना। समझो अपनी इंट्रोडक्शन को, उसमें अचीवमेंट होनी चाहिए, आपकी सिटी होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस में इंट्रोडक्शन में डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सामने वाला बंदा है वो आपसे 15-20 मिनट बात करना चाहता है, पहले 2 मिनट में आपने उसको उतना बता दिया जितना वो जानना चाहता था, उसके बाद फिर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। राइट, तो जैसे फ्रेशर्स होते हैं ना रोहित, फ्रेशर्स के लिए मैं भी उनको कई बार रिकमेंड करता हूँ कि चलो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने ड्यूरिंग कॉलेज अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, किसी प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है जो किस जॉब से रिलेटेड है, तो वो आप जरूर पिच कर दिया करो वहाँ पे थोड़ा सा हिंट, जैसे कि उनको थोड़ा लगे कि हाँ, ऐड ऑन, बिकॉज इफ दे आर एक्सपेक्टिंग गुड स्किल्स फ्रॉम यू एज अ फ्रेशर, यू कैन ऐड देम कि हाँ हमारे पास, मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप की थी जहाँ पे हमने मार्केटिंग करी है, हमने किसी और कंपनी में काम किया, हमने किसी और कंपनी में 2 महीने की 1 महीने की इंटर्नशिप की, वो एक एडिशन एडेड एडवांटेज विल बी गेटिंग ओवर अदर्स। राइट राइट, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आ रहा है रोहित, जैसे मैं यूजली मेरी वीडियोस में काफी बार इंटरव्यू के रिगार्डिंग में टिप्स देता हूँ कि भाई आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा सही होना चाहिए, आप टाइम से थोड़ा पहले ज्वाइन करो, नेटवर्क कनेक्शन सही हो, तो इसी चीज में मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं एक इंटरव्यू में, वो थोड़ा सा आप जरूर बता दो। मैं यहाँ पे आपको ना मेजरली 4 से 5 चीजें हाईलाइट करता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, इन चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग, योर पर्सनालिटी, योर हेयर्स, आपका शर्ट, आपका बात करने का, आपकी बॉडी मूवमेंट्स ठीक है कैसी हो रही है, आपके पोस्टर्स क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग। सेकंड इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो चीज है जो कंपनी किसी को सिखाना नहीं चाहती। अगर आप किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, सेल्स है, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कंपनी सेल्स स्किल सिखा देगी आपको, बट अगर कंपनी को लगे ना इस बंदे को कॉन्फिडेंस इसके अंदर हमें लाना पड़ेगा, कंपनी आपको कभी भी हायर नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी जगह कोई भी इंटरव्यू दे रही हो, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप प्रॉपरली अपनी चीज़ को कम्युनिकेट कर पाओ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हिंदी में आप बात कर रहे हो
you are explaining it really, really well. When you are changing your language to English, then you are not able to make other person understand what exactly you wanted to make them understand. So, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक gap आ जाएगा, communication gap, जिससे उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे हो. वो सिचुएशन कुछ और दे रहा, आप आंसर किसी और तरीके से कर रहे हो, वहां पे उनको लगेगा कि ये शायद आंसर नहीं सही कर रहे. आप आंसर तो सही करना चाहते हो, बट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज. इसका ऑलरेडी मैं आपको टिप बता चुका हूँ, अपना न्यूज़पेपर. उसके बाद है कन्विक्शन. कन्विक्शन का क्या मतलब होता है? कि आप कितना ज्यादा फोकस करके चीज को बोल रहे हो. अगर आप एक ही पिच में पूरा, अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो पूरी बोर्डम से, माय नेम इज रोहित कपूर, आई डू दिस, आई डू दिस, आई वो दिस, आई हैव दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, आई डिड दिस, सेम पेस, नो हाई नो लो पिच, सो दैट पर्सन विल गेट बोर. सो हमें बोर नहीं करना किसी को, इसलिए आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए. जिस चीज पे आप फोकस करवाना चाहते हो उस बंदे का, तो वो उसी पे फोकस करेगा. जैसे अभी मैंने थोड़ी सी पिच हाई करी, आप लोगों की अटेंशन आ गई, दैट्स कॉल्ड हाई पिच. कि कन्विक्शन है, मैं उस चीज पे फोकस करके उनको रियलाइज करवा रहा हूँ कि ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. दैट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन. ये जरूर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड कन्विक्शन, पहले वाली पर्सनैलिटी. अगर ये सारी चीजें इंटरव्यू के टाइम पे हैं, तो आप प्रॉपरली फॉर श्योर सिलेक्ट हो जाओगे. क्योंकि इसके अलावा आपको सिखा दिया जाता है सब, बाकी सब चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन ये चीजें कंपनी सिखा नहीं सकती, और ना ही वो सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगेगा. राइट, या राइट 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 डन डन. सो रोहित, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की, और मेरे माइंड में तो भाई इतने ही क्वेश्चंस थे जो ऑडियंस के, मुझे भी कुछ याद आ रहे थे तो मैंने आपसे पूछा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक हमने शायद कवर कर लिया सारा. बट अभी लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक रोहित. ऑल राइट, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से ओनली वन थिंग हियर. Whenever you are appearing for any of the interview, and one thing before this thing, I just wanted to thank Akash because he is doing a fantastic job, because a lot of people are charging 90,000, 95,000 for the thing that he is doing for totally free of cost. I'm really, really thank you, Akash. You are doing a really, really great job, man. Hats off to you, man. Hats off to you. And after this, I just wanted to say only one thing. Whenever you are appearing for any of the interview, make sure you are on a pitch ki aapko kabhi bhi harna nahi hai. Never give up. Never ever give up. Agar interviewer aapse itne sawal pooch raha hai, aapko nahi aate hain, confidently answer karo, I don't know about this answer. You can ask any other question except this. Koi problem nahi hai. Questioner, jaise bhi question aapke paas aa rahe hain, interviewer ko bhi sara kuch nahi aata hoga. Ye dhyan rakhna. आपको भी उतना कुछ नहीं आता, तो इंटरव्यूअर को भी उतना कुछ नहीं आता होता. आप कॉन्फिडेंटली हर चीज को आंसर किया करो. आई एम अ क्लियर आकाश. एग्जैक्टली. सो मेरी भी यही विशेष है रोहित, कि आपका जो स्टार्टअप है वो बहुत आगे बढ़े, और मैं ऑडियंस को भी जरूर रिकमेंड करूंगा, बिकॉज छोटे भाई बहन हम सबके घर पे होते हैं. तो ये रोहित सर जो स्पेशली कॉमर्स के स्पेशलिस्ट है, कॉमर्स के जिसको गुरु बोलते हैं ना, उस तरीके से. तो आप अगर कॉमर्स में, अगर कोई भी अपनी फैमिली में, तो जरूर एक बार विजिट करना कॉमर्स विद है. मैंने देखा कंटेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और रोहित, मेरी ये विशेष है भाई, आपका ये स्टार्टअप बहुत आगे बढ़े, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत बड़े स्टार बने आप आगे जाके. आप ऑलरेडी भी है, बट और ज़्यादा बड़े स्टार आप बने. और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ रोहित. आप इस चैनल पर आए, आपने अपना एक जर्नी, एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया, इसे डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है. सो वंस अगेन थैंक यू रोहित, एंड थैंक यू सो मच आकाश. थैंक यू, इट्स रियली ऑनर फॉर मी. आई जॉइंड इट हियर टुडे, एंड इट्स अ नाइस मीटिंग विद यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. एंड वन मोर थिंग, यू कैन चेक माय कॉमर्स विद द चैनल ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन सी मोटिवेशनल रील्स, मोटिवेशनल वीडियोस एज वेल. व्हेनेवर यू फील डीमोटिवेटेड, यू कैन कम टू माय चैनल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन आई हैव. I'll mention the link definitely. Right. Your channel link I'll definitely mention. Thank you so much, Akash. Thank you, Akash. Thank you, everyone. Thank you. तो दोस्तों, ये थे अपने साथ रोहित, फाउंडर ऑफ कॉमर्स विद्या. आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी इस सेशन से. स्टिल कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोगों के मन में, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है. और इसके अलावा दोस्तों, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इसको लाइक जरूर कर देना. ऐसी नई वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप रोहित के भी चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेज, गुड लक, जय हिंद.